कोरिया के तानाशाह किम जोंग की हालत बेहद नाजुक है। किम ने एक सर्जरी करवाई है। कहा जा रहा है कि उसने हार्ट सर्जरी करवाई है और ये रिपोर्ट व्हाइट हाउस के अधिकारी के हवाले से आई है। किम को काफ़ी समय से देखा भी नहीं गया है। बीते दिनों 15 अप्रैल को भी किम जोंग उनके दादा किम सुंग द्वितीय की सालगिरह के मौके पर वह नदारद रहे। ये दिन नॉर्थ कोरिया में सबसे अहम माना जाता है और इस दिन वहाँ हॉलीडे भी होता है। इसके बाद से अमेरिकी एजेंसियाँ इस खबर पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। किम जोंग की सनक और क्रूर तौर तरीकों के कई किस्से मशहूर हैं। किसी को जान से मरवाने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचता और उसकी बेरहमी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अगर नॉर्थ कोरिया में कोई उसके द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं मानता है तो भी इसका अंजाम मौत होता है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग उनकी मीडिया में पहचान एक सनकी और बर्बर तानाशाह की रही है। 2011 में नॉर्थ कोरिया की सत्ता संभालने के बाद पहले 6 साल में उसने कम से कम 340 लोगों को मरवाया, जनरल को मरवाया। नॉर्थ कोरिया के डिफेंस चीफ हयोंग योंग ने मीटिंग के दौरान एक बार सुप्रीम लीडर के सामने झपकी ले ली। किम को ये बात पसंद नहीं आई और उसने एंटी एयरक्राफ्ट गन से उसे उड़वा दिया। जब किम के भाई ने उनके तौर तरीकों का विरोध किया तो उसने अपने भाई तक को मौत के घाट उतार दिया। 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उसे जहर दिया गया। जिस फूवा जेंग सिंह था एक ने उसे राजनीति के दांव पे समझाए। जब उनका कद उसे खुद से बड़ा लगने लगा तो किम से देखा नहीं गया। उसने 120 शिकारी कुत्तों के आगे फूफा को फिकवा दिया। पति की हत्या के बाद उसकी बुआ किम के खिलाफ बोलने लगी तो उसने अपनी बुआ को भी जहर देकर मरवा दिया। जबकि सामने ये आया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। बाद में उनके खुद के सैन्य अधिकारी ने ये खुलासा किया। 2016 में तत्कालीन सेना अध्यक्ष री योंग गिल को सुप्रीम लीडर ने फांसी की सजा सुनाई थी। 2012 में किम जोंग के पिता की मौत हुई। तब अगर कोई उनके पिता के अंतिम संस्कार में नहीं रोया तो उसकी भी गोली मारकर हत्या करवा दी गई। पिछले 50 साल में नॉर्थ कोरिया के जेलों में हजारों कैदी मारे गए हैं। उनमें महिलाएं भी होती हैं, उन्हें भूखा रखा जाता है और उनका रेप भी होता है। नॉर्थ कोरिया में बिना किम की मर्जी के कुछ नहीं होता। उसे रहम दिली पसंद नहीं। नॉर्थ कोरिया के बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। धर्म क्या होगा, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, घर से निकलने पर कैसे रहना है, ये सब सुप्रीम लीडर ही तय करता है।